हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर क्लास। इस क्लास में हम चर्चा करेंगे एनटीए नेट के जनरल पेपर के बारे में। दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको एनटीए नेट के जनरल पेपर के बारे में कुछ सामान्य जानकारियां देना चाहूंगा। दोस्तों, यूजीसी नेट की जो एग्जाम होती है वो वर्तमान में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के द्वारा आयोजित की जाती है, और वर्तमान में नेट के परीक्षा पैटर्न में दो पेपर होते हैं। पहला जो पेपर है वह जनरल पेपर होता है, और जो दूसरा पेपर होता है वो सब्जेक्टिव पेपर होता है दोस्तों, जो कि सब्जेक्ट से यानी कि होता तो ऑब्जेक्टिव ही है, लेकिन वो पेपर सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि आप नेट को कॉमर्स से देना चाहते हैं तो सेकंड पेपर में आपसे कॉमर्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप एजुकेशन से देना चाहते हैं तो एजुकेशन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और भी जो अभी आपके सब्जेक्ट है, हिंदी, संस्कृत, फिजिक्स, जिस भी सब्जेक्ट से आप देना चाहते हैं, तो सेकंड पेपर जो होता है वो आपका सब्जेक्ट का होता है, लेकिन जो फर्स्ट पेपर है वह एक जनरल पेपर होता है। फर्स्ट पेपर को 10 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, और इन 10 यूनिट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रत्येक सब्जेक्ट से जो नेट देने वाला व्यक्ति होता है उससे पूछे जाते हैं, जिसको कि जनरल पेपर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जनरल पेपर की जो फर्स्ट यूनिट है उसकी आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। हमारी जो फर्स्ट यूनिट है उसका भी एक बेसिक पॉइंट आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं फर्स्ट यूनिट की तरफ। फर्स्ट यूनिट का नाम है दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही इसका महत्व और इसका इंपॉर्टेंस जो हमारी एग्जाम के लिए होने वाला है वो स्पष्ट प्रतीत हो रहा है, क्योंकि यहां पर हम जो एग्जाम देने जा रहे हैं नेट, वो असिस्टेंट प्रोफेसर की क्वालिफाइंग एग्जाम है। तो दोस्तों, कोई भी एग्जामिनेशन बॉडी जब अपने एस्पिरेंट्स का टेस्ट लेती है तो वो ये चेक करना चाहती है कि जिस पोस्ट के लिए वो आगे रिक्रूट होंगे तो क्या उस पोस्ट से संबंधित एप्टीट्यूड यानी कि उनकी अभिक्षमता जो है वो विकसित हुई या नहीं। तो पहली यूनिट जो है वो शिक्षकों की टीचिंग अभिक्षमता यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड का जांच करने के लिए यहां पर रखी गई है। तो आइए हम जानते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो यहां पर कवर किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड के जो यहां पर डेफिनेशन लिखी हुई है इसे हम पढ़ेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट एवेल्युएटिंग कैंडिडेट्स हु वांट टू एंटर इन टीचिंग प्रोफेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल्स। देखिए दोस्तों, क्या बात कह रहा है ये कि टीचिंग एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट एवेल्युएटिंग कैंडिडेट्स यानी कि कैंडिडेट्स का मूल्यांकन कर रहे हैं। किसका मूल्यांकन कर रहे हैं? हु वांट टू एंटर इन टीचिंग प्रोफेशन, ऐसे कैंडिडेट्स जो कि टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहते हैं, अपना जो पेशा है, अपना जो व्यवसाय है, वो शिक्षा को चुनना चाहते हैं और शिक्षा में आकर के वो एक एज ए टीचर, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी सेवा देना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल्स। उस प्रोफेशन से रिगार्डिंग, उस टीचिंग प्रोफेशन से रिगार्डिंग उनके पास में कौन सी स्किल्स है, क्या उन्होंने जो रिक्वायर्ड स्किल्स है उनको एक्वायर कर लिया है, क्या उनकी प्रैक्टिकल अप्रोच है वो डेवलप हो चुकी है, इन सभी चीजों से संबंधित जो प्रश्न है वह टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिक्षमता से संबंधित प्रश्न होते हैं, और यह जनरल पेपर के यूनिट वन में पूछे जाते हैं। दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड का एक शिक्षक के अंदर विकसित होना अनिवार्य है, क्योंकि तभी वह शिक्षकों का जो पेशा है, शिक्षक जो प्रोफेशन है, इसके साथ में न्याय संगत व्यवहार कर पाएगा। दोस्तों, इसके आगे हम देखेंगे कि इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। यहां पर हम बात करेंगे, आज के हम फर्स्ट टॉपिक की बात करेंगे जो कि टीचिंग। हम सबसे पहले जानेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में जो टीचिंग ये शब्द है, इस टीचिंग शब्द में किस प्रकार से हम टीचिंग को समझ सकते हैं, और टीचिंग का कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इसी पर हम चर्चा करेंगे, टीचिंग पर। आइए अब आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले जानेंगे कि टीचिंग का नेचर क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और टीचिंग के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स एक एस्पिरेंट के अंदर होनी चाहिए वह कौन कौन सी है, उन सब चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आगे की स्लाइड में हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ टीचिंग यानी कि
टीचिंग का मीनिंग क्या है। टीचिंग यानी कि जब आप एक टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो कार्य आपके द्वारा किया जाएगा यानी कि टीचिंग, उसका मीनिंग क्या है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ टीचिंग। टीचिंग इज द पर्पजफुल डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। व्हाट इज टीचिंग? टीचिंग इज द पर्पजफुल डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। यानी कि जब आप टीचिंग करते हैं तो आप जो लर्निंग प्रोसेस है उसको पर्पजफुली उद्देश्यपूर्ण तरीके से निर्देशित करते हैं और उसका प्रबंधन करते हैं, इससे ही टीचिंग कहा जाता है। दोस्तों जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है उस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सबसे पहले जो बात की जाती है वो होती है कि आप लर्निंग को एक गुड डायरेक्शन, एक पर्पजफुल डायरेक्शन दे पा रहे हैं नहीं। जैसे कोई बालक है और वह बालक अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता है, इसीलिए वो शिक्षक की कक्षा में बैठता है और उसका जो वर्तमान ज्ञान है उससे वो बेहतर स्थिति में आगे आना चाहता है। तो शिक्षक का ये कर्तव्य है कि उसकी लर्निंग को, बालक की लर्निंग को एक पर्पजफुल उद्देश्यपूर्ण निर्देश दे, उद्देश्यपूर्ण डायरेक्शन दे और उसके लिए जितने भी आवश्यक संसाधन है उनको जुटाए, उनका मैनेजमेंट करें। तो टीचिंग इज द पर्पजफुल डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। ये इसकी हमने एक मीनिंग को जाना। अब हम आगे जानेंगे कि टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो कि एक टीचर को टीचिंग के दौरान ध्यान में रखनी होती है। तो टीचिंग के बारे में जो सबसे पहली विशेषता है वह है टीचिंग इज अ सोशल सर्विस। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टीचिंग इज ए सोशल सर्विस, यानी कि जो टीचिंग है वह एक सामाजिक सेवा है। दोस्तों शिक्षा जो होती है वो समाज का आईना होती है, समाज का दर्पण होती है। तो शिक्षा की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले बात आएगी सोशल प्रोसेस की, यानी कि जब सोशल सर्विस है एक तरह की समाज के लिए सेवा है। और समाज के लिए सेवा का क्या मतलब है कि जब एक शिक्षक बालकों को पढ़ा रहा है तो कहीं ना कहीं वो समाज की आने वाली पीढ़ी को तैयार कर रहा है। तो समाज के लिए एक सेवा के रूप में शिक्षक पेशे को माना जाता है। दूसरा है टीचिंग इज अ प्रोफेशन। जैसे अन्य पेशे होते हैं डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, इसी तरह से टीचर भी एक प्रोफेशन में होता है, उसका भी एक पेशा होता है। तो टीचिंग क्या है? एक पेशा है, एक प्रोफेशन है। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है टीचिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसे कि लर्निंग जो होती है, लर्निंग के बारे में कहा जाता है लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम द बूम एंड इट गोज टू द टूम। लर्निंग जो होती है वो बूम यानी कि माता के गर्भ से प्रारंभ होती है और वो लगातार व्यक्ति की मृत्यु तक, उसकी कब्र तक उसके साथ में चलती है। तो टीचिंग भी सिमिलरली लर्निंग की तरह ही एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि निरंतर चलती रहती है, क्योंकि टीचर का भी काम सोसाइटी का निरंतर डेवलपमेंट करना होता है। इसके बाद में अगली जो बात आती है वह टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल ए साइंस। टीचिंग जो है वो एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। दोस्तों जब भी हम किसी नए विषय का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हम उसे कला और विज्ञान की कसौटी पर परखते हैं। तो टीचिंग को भी जब हम कला और विज्ञान की कसौटी पर परखते हैं तो हमें पता लगता है कि टीचिंग जो है वो एक कला भी है और वो एक विज्ञान भी है। दोस्तों किसी भी चीज को विज्ञान कहे जाने के लिए दो बातें होना जरूरी है, एक तो उसका जो ज्ञान है वो क्रमबद्ध होना चाहिए और दूसरा उसमें कारण और कार्य के बीच में संबंध होना चाहिए, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होनी चाहिए वहां पर। तो टीचिंग में जब हम विभिन्न समस्याओं को, विभिन्न सिद्धांतों को, शिक्षण सूत्रों को, टीचिंग मॉडल्स को, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग को जब हम पढ़ते हैं तब तो ये साइंस के बारे में बात करता है। और जब हम उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कैसे करें, प्रैक्टिकल लाइफ में टीचर को टीचिंग मेथड्स को किस तरह से अप्लाई करना है, अपनी क्लास को किस तरह से इंटरेक्टिव बनाना है, किस तरह से मोटिवेशनल एक एनवायरमेंट क्रिएट करना है, यह सारी चीजें टीचिंग को एक आर्ट बनाती है। तो इसलिए टीचिंग आर्ट और साइंस दोनों की ही कसौटी पर खरा उतरता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि टीचिंग जो है इसका अगला पॉइंट आता है टीचिंग इज रिलेटेड विथ एजुकेशन, लर्निंग, ट्रेनिंग, इनके साथ में भी टीचिंग का संबंध है। दोस्तों वैसे तो ये सारे शब्द जो होते हैं वो सिमिलर से हमको प्रतीत होते हैं, हम कभी लर्निंग कह सकते हैं, हम टीचिंग कह सकते हैं, हम एजुकेशन कह सकते हैं, हम ट्रेनिंग कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में इनके मीनिंग्स में डिफरेंस होता है। तो टीचिंग जो है वो इन चीजों से भी संबंधित होती है। जैसे हम सबसे पहले बात करें लर्निंग, लर्निंग
बिना टीचिंग एनवायरनमेंट में भी हो सकती है, लेकिन टीचिंग तभी पॉसिबल है जब कहीं ना कहीं कोई लर्निंग हो रही हो। इस तरह से टीचिंग का लर्निंग के साथ में संबंध होता है। हम बात करें शिक्षा से टीचिंग के संबंध की, तो शिक्षा शिक्षा टीचिंग का मोटिव है, टीचिंग की ही इसलिए जा रही है ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन है सोसाइटी की उसको एजुकेट किया जा सके। तो टीचिंग का संबंध एजुकेशन के साथ में भी होता है। तो हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम बात करेंगे टीचिंग प्रोसेस की। दोस्तों शिक्षण की जो प्रक्रिया है, अभी हमने बात किया टीचिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन इस टीचिंग की इस प्रोसेस जो प्रोसेस चल रही है, इस प्रोसेस में कौन कौन इन्वॉल्व है, क्या टीचिंग में दो, यहां पे लिखा हुआ है टीचिंग प्रोसेस इज बाइपोलर, बाइपोलर का मतलब द्विध्रुवीय, दो ध्रुव है इसमें, वन इज टीचर एंड अनदर इज लर्नर। तो हम आगे निष्कर्ष निकालेंगे, अभी सबसे पहला हमें यही तक बात करनी है कि टीचिंग इज ए बाइपोलर प्रोसेस, यानी कि टीचिंग में दो लोगों का होना अनिवार्य है। जब तक ये दोनों दोनों पोल यानी दोनों की दोनों एलिमेंट्स जो है वो एक साथ नहीं होंगे तब तक टीचिंग पॉसिबल नहीं है। कौन कौन होना चाहिए टीचिंग की प्रक्रिया में, सबसे पहले हमने बात की है एक तो लर्नर होना चाहिए और दूसरा कौन होना चाहिए, एक टीचर होना चाहिए, यानी कि कोई सीखने वाला होना चाहिए और दूसरा कोई सिखाने वाला होना चाहिए। सिखाने वाला तब तक नहीं सिखा सकता जब तक कि वहां पर कोई सीखने वाला ना हो, और सीखने वाला कक्षा कक्ष में तब तक नहीं सीख सकता जब तक कि कक्षा कक्ष में कोई शिक्षक ना हो। दोस्तों लर्नर के लिए हम ये नहीं कह सकते कि वो बिना टीचर के नहीं सीख सकता, लर्निंग कैन बी डन एनीवेयर, सीखा तो कहीं भी जा सकता है, लेकिन जब बात एक पर्टिकुलर सिनेरियो की हो रही है, पर्टिकुलर एरिया की, क्लासरूम की बात हो रही है, तो वहां पर लर्नर तो होना ही चाहिए और साथ में उसको सिखाने के लिए एक टीचर भी होना चाहिए। तो टीचिंग इज ए बाइपोलर प्रोसेस, टीचिंग यानी कि शिक्षण जो है वो एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। यहां तक ये बात हमारे समझ में आती है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे, यहां पर लिखा हुआ है टीचिंग प्रोसेस, टीचिंग प्रोसेस जो ट्राइपोलर है यानी कि त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। अब पहली जो प्रक्रिया बताई गई थी वहां पे द्विध्रुव बताए गए थे, दो पोल बताए गए थे, एक टीचर एक लर्नर, लेकिन यहां पर तीन ध्रुव बताए गए हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जब अपन इस चीज को आगे एलोबरेट किया, हमने इसको आगे समझने का प्रयास किया, तो हमें ज्ञात हुआ कि टीचिंग जो है वो बिना पाठ्यचर्या के, बिना एक पर्टिकुलर करिकुलम के तो पॉसिबल ही नहीं है। एक क्लासरूम है और उस क्लासरूम में शिक्षक भी बैठा हुआ है और उसी क्लासरूम में बच्चे भी, लर्नर्स भी बैठे हुए हैं, लेकिन अब टीचर के सामने समस्या ये है कि वो बालकों को क्या पढ़ाएगा, और बालकों के सामने समस्या ये है कि वे टीचर से किस विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। जब तक कि उनके पास में एक निर्धारित उस कक्षा विशेष के लिए, उस क्लास विशेष के लिए तय किया गया करिकुलम नहीं होगा, पाठ्यचर्या नहीं होगी, पाठ्यक्रम नहीं होगा, तब तक वह शिक्षक बालकों को पढ़ा नहीं पाएगा और बालक शिक्षक से पढ़ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों टीचिंग का जो प्रोसेस है उसको त्रिध्रुवीय प्रक्रिया यहां पर माना गया है कि टीचिंग में एक तो टीचर होना अनिवार्य है, दूसरा उसमें शिक्षार्थी का होना अनिवार्य है, और उसमें इसके साथ साथ में करिकुलम यानी कि पाठ्यचर्या का भी होना अनिवार्य है, ताकि टीचर को क्या पढ़ाना है इसकी दिशा मिल सके और जो विद्यार्थी है उसको क्या पढ़ना है इसका ज्ञान हो सके। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के जो स्तर है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं कि शिक्षण के कितने स्तर होते हैं, और यहाँ पर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक है, अलग अलग जो चिंतक है, उन्होंने इस पर अपनी बात रखी है। सबसे पहला जो टीचिंग का स्तर माना गया है वह माना गया है दोस्तों मेमोरी लेवल, यानी कि जब बेसिक, यानी कि जब बहुत ही एक सामान्य लेवल पर एक छोटी क्लास के बालक को जब पढ़ाना स्टार्ट किया जाता है, और तब स्मृति स्तर पर उसका शिक्षण हो रहा होता है, यानी कि टीचिंग का जो फर्स्ट लेवल है उसको दोस्तों हम कहते हैं, यहां पर हम उसको कहते हैं स्मृति स्तर, यानी कि वह मेमोरी लेवल पर आकर के हम अपना जो लर्निंग है उसको बालकों को करवाता है। यानी कि टीचिंग का जो बेसिक लेवल होता है वह होता है मेमोरी लेवल। इस स्तर पर बालक को जो भी कुछ सिखाया जाता है बालक उसे अपने स्मृति स्तर पर ग्रहण करता है। यह जो कंसेप्ट है, ये जो लेवल है, ये हर्बर्ट के द्वारा दिया गया था। उसने बताया कि सबसे पहले बालक को जो भी कुछ सिखाया जाता है वह उसकी याददाश्त का निर्माण करता है, वह उसकी मेमोरी में जाकर के, याददाश्त में जाकर के, स्मृति में जाकर के इकट्ठा होता है, बालक स्मृति को ग्रहण करता है। उसके बाद का जो नेक्स्ट लेवल आता है, नेक्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग इज
अवबोध का स्तर। अवबोध का मतलब है बालक अब समझने लगता है, जो भी चीजें उसकी मेमोरी में पड़ी हुई हैं, जो भी चीजें उसने अब तक सीखी है उसके आधार पर वो अपना बोध विकसित करने लगता है, एक अंडरस्टैंडिंग विकसित करने लगता है। एक एग्जांपल से हम इसे समझ सकते हैं कि बालक ने सबसे पहले किसी एक जानवर को देखा जिसके चार पैर हैं, एक पूंछ है और वो कुछ आवाज निकालता है, तो उसको हमने बताया कि देखो बेटे यह एक कुत्ता है। तो बालक ने देख लिया कि कुत्ता एक जानवर होता है, उसके एक पूंछ होती है, चार पैर होते हैं और वो गली में, सड़क पर, घरों में दिखा जाता है। अब उसने उसी के जैसा एक दूसरा जानवर देखा, उसने बिल्ली को देखा, तो वो भी बोलेगा कि देखो ये अलग तरह का कुत्ता है। अगर उसने बकरी को देखा तो उसके जो सिंग दिखाई तो वो कहेगा ये सिंग वाला कुत्ता है। यानी कि जो बालक है वे अपनी मेमोरी के आधार पर अब नया बोध बनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जब उसे हम आगे समझाएंगे, जब उसे आगे ज्ञान होगा तो वो कुत्ते में, बिल्ली में, बकरी में, अन्य जानवरों में, आसपास दिखाई देने वाली चीजों में अंतर करना सीखेगा। इसी स्तर को कहा जाता है दोस्तों अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, यानी कि बालकों को जो यहां पर शिक्षण दिया जाता है वह इनके अवबोध स्तर का शिक्षण होता है, और इस अवबोध स्तर यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल को बताने वाले व्यक्ति का नाम है दोस्तों मॉरिसन। मॉरिसन ने बालकों के टीचिंग के अवबोध स्तर पर काम किया और उन्होंने बताया कि जब बालक आगे धीरे धीरे बालक का विकास होता है, आगे की जब वो कक्षाओं में बढ़ता है, उसकी मेमोरी में जब बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, तब उनका वो क्लासिफिकेशन करता है और क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण करने के बाद में अपने बोध का निर्धारण करता है कि कुत्ता जो होता है उसके दिमाग में एक पर्टिकुलर स्कीमा बन जाता है, एक पर्टिकुलर इमेज क्रिएट हो जाती है कि कुत्ता इस तरह का होता है, बिल्ली इस तरह की होती है और अन्य जानवर जो भी हैं वो इस तरह से दिखाई देते हैं। और जो सबसे उच्च स्तर का हायर लेवल ऑफ टीचिंग है, हाईएस्ट लेवल ऑफ जो टीचिंग है वह है दोस्तों रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, यानी कि चिंतन स्तर। जब बालक चीजों का बोध कर चुका होता है, चीजों को समझ चुका होता है, अब वो सीखना शुरू करता है चिंतन के लेवल पर, यानी कि जो टीचिंग का यह स्तर ये चिंतन लेवल का होता है। यहाँ पर ब्रेन स्टॉर्मिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इसी तरह की जो अन्य मेथड्स हैं उन मेथड्स से बालक को टीचिंग कराई जाती है और ये आने वाली जो उच्च कक्षाएं होती है वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। जब बालक के अंदर समस्या समाधान की योग्यता विकसित करनी होती है, जब बालक को नवीन परिस्थितियों में किस प्रकार से समायोजन किया जाता है यह सिखाना होता है, तब बालक को चिंतन स्तर का शिक्षण करवाया जाता है। और यह स्वतः ही सबसे ऐसा नहीं है कि बालक सीधे ही चिंतन स्तर पर, रिफ्लेक्टिव स्टेज पर पहुंच जाएगा, नहीं, सबसे पहले कोई भी बालक है वो स्मृति स्तर पर अपना लर्निंग को शुरू करेगा और उसके बाद के उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग का लेवल आएगा, तब कहीं जाकर के वो चिंतन स्तर पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्तर पर, रिफ्लेक्टिव लेवल पर पहुंच पाएगा। तो ये तीन, रिफ्लेक्टिव लेवल जो था वो हंट के द्वारा दिया गया था। तो यहां पर जो ध्यान रखने योग्य और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि टीचिंग के तीन लेवल बताए गए हैं। सबसे जो पहला स्तर है वह है मेमोरी लेवल, दूसरा जो लेवल है वो है अंडरस्टैंडिंग लेवल, और हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग इज रिफ्लेक्टिव लेवल यानी कि चिंतन का स्तर। और इसमें ध्यान रखने योग्य बात है कि इन स्तरों पर किसने काम किया, या फिर कह सकते हैं कि इन स्तरों को किसने प्रकट किया, कौन ने इनको दिया। तो सबसे पहले जो मेमोरी लेवल है वो हर्बर्ट के द्वारा दिया गया, अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है वो मॉरिसन के द्वारा दिया गया, और रिफ्लेक्टिव जो लेवल है वो हंट के द्वारा दिया गया। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हरे कृष्णा।